सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। देखो जी, जितने भी नेता पार्टी बहुजन समाज पार्टी से आए हों, उन्होंने कोई किसी दलित का तो हम कह नहीं सकते भाई, सभी का तो होता नहीं, लेकिन उन्होंने किसी का ज़्यादातर हमारे क्षेत्र में तो किसी का काम करा नहीं। हम तो साहब चंद्रशेखर को लाना चाह रहे, इसकी पार्टी का क्यों इसने सभा में बोल भी रहा और सुन भी रहा, और आज लग किसी नेता ना वहाँ किसी कोई जवाब तरफ नहीं हो। गरीबों को जैसे हमें आरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी आगे तक पहुँच नहीं जा पाती। बड़े लोग हैं, अपना पैसा लगा देते हैं, हमारे पास पैसा भी नहीं है, हमारे पास सिर्फ आरक्षण है जिसकी हम मदद लेते हैं। क्योंकि चंद्रशेखर जी ने हम लोगों को एक पहचान दी और हमें बोलने का अधिकार दिया, और ये भी अधिकार दिया कि हम अपनी बात कहीं कह सकते हैं। ये चंद्रशेखर ने हमें जगाया, नहीं तो हम तो सोए पड़े। बुजुर्ग लोग तो बहन जी के साथ ज्यादा जावे, पहले दी वोट बहन जी को, हमने देते बहन जी को, बहन जी ने कुछ कहा ही नहीं, वाला कुछ नहीं सोचा, तो उम्मीद टूट गई। समाज के साथ कुछ नहीं सोचा, बहन जी ने सोचा ही नहीं कुछ, अब हम तो चंद्रशेखर को दे। सीसीए में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश की मीरापुर विधानसभा सीट पर है, जहाँ पर हम आज बात करेंगे यहाँ पर होने वाले उपचुनाव को लेकर। हम यहाँ मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के कादीपुर गांव में है, जहाँ पर हम दलित समाज के बीच है। लोगों से राय जानेंगे कि इस उपचुनाव को लेकर उनका क्या मानना है, किन मुद्दों पर वो वोट करेंगे। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम आपका? वीरेंद्र। वीरेंद्र जी, चुनाव होने वाले उपचुनाव, हाँ, क्या देख रहा समाज, किस तरफ रुख कर रहा समाज? तो जी देखो, बहन जी को तो सबने अजमाई ली, और तो ज्यादातर जो समाज, हमारा समाज जो चंद्रशेखर की तरफ को जाएगा। हाँ, जो ये आजाद समाज पार्टी के, हाँ, राष्ट्रीय आजाद समाज पार्टी। हाँ, ऐसा बदलाव क्यों अब? देखो जी, जितने भी नेता पार्टी बहुजन समाज पार्टी से आए हों, उन्होंने कोई किसी दलित का तो हम कह नहीं सकते भाई, सभी का तो होता नहीं, लेकिन उन्होंने किसी का ज्यादातर हमारे क्षेत्र में तो किसी का काम करा नहीं। हाँ, कोई भी पार्टी से आया कोई नहीं आया, कहीं चार पांच ने चाहे हमने जनसे जिताए हो, कोई किसी ने नहीं सुनवाई करी, समाज में कुछ काम किया नहीं। हाँ, समाज में कोई काम नहीं किया। और ये लड़का कैसा है, चंद्रशेखर अभी नया है, अभी राजनीति में नया है? एकदम बेधड़क बोलता, आज लोकसभा में गया हुआ है, बिल्कुल शेर की तरह दहाड़ता है। एक दिन अभी मैं देख रहा था, बातचीत वो कर रहे थे, बराबर साइड में जो बैठे थे अमित शाह, उन्होंने कहा बैठ जाओ बैठ जाओ, लेकिन वो किसी से घबराने वाला नहीं, ना घबराता लड़का, बिल्कुल एकदम बेधड़क होकर बात कर रहा था। जो भी उसको समाज के बारे में जहाँ भी उसको पता लगता है एकदम समाज के, तो एकदम वहीं उसी के घर पहुँच जाता है। तो बदलाव की तरफ हो इस, हाँ, बदलाव की चाह रहा है। अच्छा, जो पहले जो यहाँ विधायक रहे चंदन सिंह चौहान, उनका काम उन्होंने कैसा रहा, उनका उन्होंने काम किया कुछ गांव में या समाज के लिए कुछ ऐसा? समाज के लिए तो करा नहीं, पर गांव में कराया जी। बाकी आपके यहाँ नहीं किया? हाँ, हमारे यहाँ नहीं किया, हाँ, और जगह करा उन्होंने, उसके तो, बाप ने भी करा, लेकिन हमारे उसमें नहीं करा। उनकी एक ही बात तो वो है जी, सोचता हर एक आदमी रही ये तो दे ही देंगे वोट, किसी के ने उसको भगाने को, हमारा समाज का भगाई में जल्दी आ जाता है। किस तरह की दिक्कतें हैं समाज में भाई, जो काम होने चाहिए थे, जो भी नेता है पिछले चुनाव जितनी भी राजनीति हुई, आपको क्या लगा कि भाई कुछ काम हुआ या नहीं या होना चाहिए था? देखो जी, जब शुरू में इसका संजय चौहान आया, इसका चंदन का बाप आया, उससे भी हमने इसकी वो करी थी बात मंदिर की, उसने कहा था कोई बात नहीं, होते ही तुम हमारे पास आ जाना, हम करेंगे, लेकिन करा नहीं, गए उनके पास, कोई कुछ नहीं। तो ये मंदिर का काम कब से रुक रहा आपका? ये तो जी काफी दिन हो गए, बस इसम प्रधान बना था यहाँ से, सन सुन तो मेरे याद नहीं है, बस उसने थोड़ा काम करवा था, ये मकान उसने बनवा था, ये भरा हमने अपने आप कराया, चार दीवारी ये सब कुछ हमने करा, समाज से पैसा मांग गया उसी से सब कुछ करा यहाँ से। लेकिन वैसे कोई मदद नहीं, वैसे तो कोई मदद नहीं, MP MLA से कोई मदद नहीं है, ना सरकार की तरफ से कोई वैसा नहीं है। तो बदलाव चाह रहे? हाँ, बदलाव चाह रहे। तब जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम जी? ज्ञान सिंह जी। जी क्या लग रहा जी, चुनाव है तो आगे, लोकसभा खत्म हुई तो अभी आगे, आपके विधायक थे वे तो सांसद बन गए उधर बिजनौर, तो सीट खाली होगी ये, अब क्या देख रहे, किसको लाना चाह रहे? हम तो साहब चंद्रशेखर को लाना चाह रहे,
इसकी पार्टी क्यों, इसने सभा में बोल भी रहा और सुन भी रहा, और आज लग किसी ने था ना वहाँ कोई जवाब तरफ नहीं होगा। इतने दिन से वोट भी देते आ रहे, सब काम करते हो रहे, एक मारा मंदिर रुका गया इसमें बोल उल्लंघन तो लगाने वाले है, बाकी इसका कोई साधन नहीं कर पा रहे, जो कि हमने चाह के यहाँ से 10 आदमी का ठिया हो जा, हमारे पास कोई बरात का भी साधन नहीं है, कोई मजदूरी का साधन नहीं, हम चाह के इस तक यहाँ से 4 आदमी का साधन हो जिस तक कि चमारों का कोई बारात या मेहमान हो उसका स्थान हो जाए, अरे हमारा मंदिर पूरा हो जाए, हमारी किसी ने आज तक सुनी। ये तो देश में राम मंदिर तो बन गया, आपका मंदिर नहीं बन रहा? अजी राम का मंदिर तो बन गया पर हमारा रविदास तो नहीं बना है। हाँ बताओ, राम ही पैदा हुआ, राम यू नहीं पैदा हुआ, जब हमारा समाज तो इसी के पीछे लगा हुआ, जब हमारा इसका सुधार नहीं होना हमारा क्या होगा फिर, हमारा तो रविदास होगा। वे लोग नहीं मानते रविदास को? नहीं मानते, इधर इधर हम जो थे सब देवता को पूज रहे, मंदिर को पूज रहे, मंदिर राम मंदिर को पूज रहे, हमारे देवता पर कितने आज नाते जोड़े और हम सब का हाथ जोड़ते रहे, हमारा काम जब सब पूर्ण नहीं हो रहा। तो ये भेदभाव है, तो ये भेदभाव जी हाँ, तो इसी वजह से बदलाव चाह रहे, इसी वजह से बदलाव चाह रहे, जब हमारी कोई बोझ नहीं था हमारा क्या दे रहा फिर। लेकिन देख क्या, बड़े बुजुर्ग जो है वे तो बसपा के साथ रहे थे पहले से, अब कैसे, अब बदलाव क्यों? बदलाव नहीं आया कि जब तो रहेगी भाई, मतलब हमारा कोई काम होगा, और जब काम नहीं कर रहा था नई पीढ़ी समझ नहीं पा रही, जब काम नहीं था हम क्यों लारा लगा, ये लारा क्यों लगा जाएंगे हम, जब हमारा कोई काम नहीं हो रहा, जब हमारी सुनाई नहीं हो रही, ना सरकार में सुनाई हो रही, तो हमारा क्या जरा पी रहा। तो बढ़िया नहीं लगे काम 10 साल सरकार के मोदी जी 10 साल तीसरी योजना है? नहीं हम उन्होंने बताते काम उन्होंने सही करे, पर हमारी सुनाई नहीं हुई। हाँ समाज हमने नहीं कह सकता काम नहीं करे, उन्होंने कोई गलत काम नहीं करा ना कोई ऐसा काम करा, पर हमारे लिए कोई संविधान नहीं करा, हमारा ना मंदिर का भी मसला नहीं हो सका कोई, ये थोड़ा जब सब जगह जोड़ों में भी मकान बने हुए वहाँ बने हुए, तो इसमें इसमें कत्ते थे हमारा घेरे कुत्ते, हमने सोचा हम अपने कूड़े को परेशान नहीं कर लेंगे, हम तो शायद मठिया चाह रहे, इसमें भी अड़कर लगा रहे, इसमें कोई मदद नहीं दे रही सरकार। तो ये चुनाव होंगे ताऊ जी, मगर ये चुनाव होंगे तो इनमें क्या देख रहे, ये मुद्दा भी रहेगा आपका? हाँ मुद्दा रहेगा, जब कोई नेता होगा उससे करी जाएगी बात इस बारे में, जो कोई नेता होगा यहाँ से वोट तो मांगन सभी आवेंगे, ठिया भी होगा यही आवेंगे सब वोट मांगन, यही मुद्दा उनके आगे रखा जाएगा, भाई ये उससे करते हो तो देखते हैं, नहीं तो जयराम जी। क्या नाम भाई? आशीष कुमार। आशीष भाई क्या करते हो? जी मैं तो फिलहाल पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा क्या पढ़ाई कर रहे हैं? फिलहाल 11वीं में हूँ। अच्छा 11वीं में हूँ, तो वोट बनेगी? नहीं अभी नहीं बनी। अच्छा अभी घर वाले तो वोट करते होंगे जी। अच्छा क्या देख रहे हैं इस बार, घर वाले क्या देख रहे हैं इस बार? तो घर वाले कह रहे हैं भाई चंद्रशेखर आजाद को लाएंगे, क्योंकि जो देख रहे मायावती तो कुछ कर ही नहीं, और चंद्रशेखर को आजाद को देखते हुए सभी पीछे लगे हुए भाई देंगे, और जब हमारे बुजुर्ग वहाँ जाएंगे तो हम भी वहीं जाएंगे। अच्छा एक चीज़ बताओ, अभी एक मुद्दा चला था सरकार हाई कोर्ट का, एक अभी कानून सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये कहा कि भाई रिजर्वेशन को लेकर उसमें हम वर्गीकरण कर रहे, कोटा कर रहे अलग, और क्रीमी लेयर ला रहे, वो कितना सही है अगर आप समझ पा रहे उसे? वो तो थोड़ा सा ही मानने की बात है, थोड़ा बहुत ही सही है, बाकी वो इलीगल नहीं है, गलत है। हाँ, वो गलत है। तो बंटवारा होगा समाज में, जैसे SC ST हाँ। भाई रिजर्वेशन था उनका, उनका कुछ है, उनका कुछ है, यो जो सरकार चाह रही ना ये चाह रही कि सब बट जावे, बंटवारा तो सही नहीं ना, भेदभाव करना किसी में, भाई जाति अलग अलग है, इंसान तो एक ही है, बांटना थोड़ी चाहिए दूसरे को, बांट के रख देंगे अलग अलग कर देंगे तो सही बात नहीं है। तो आपको लगे अभी भी आरक्षण की जरूरत है देश में? जो देखो जो चीज पहले से चली आ रही वो तो चलती आनी चाहिए, गरीबों को जैसे हमें आरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी आगे तक पहुंच नहीं जा पाती, बड़े लोग हैं अपना पैसा लगा देते हैं, हमारे पास पैसा भी नहीं है, हमारे पास सिर्फ आरक्षण है जिसकी हम मदद लेते हैं, और वो भी हमारे से छीना जा रहा, उस पर भी कई बार सवाल उठ लिए कि ये आरक्षण इनके लिए सही नहीं है। तो ये कोर्ट का फैसला जो आया, इस पर आप सहमत हो या असहमत हो? बस जी मैं तो इसमें असहमत ही हूँ, सही नहीं है। हाँ ये सही नहीं है। मेरा बसंत कुमार जी। बसंत भाई क्या करते हो आप? मैं सर जॉब करता हूँ जी, नई बिंदल पेपर मिल में। अच्छा
तो चुनाव आ रहे हैं अभी आपके यहाँ मीरापुर विधानसभा सीट है, क्या समाज का रुख किधर रहेगा? समाज का रुख जो हमारे गांव से हमारे समाज का है जी, ये सब भाई चंद्रशेखर के साथ में लगे हैं जी, क्योंकि चंद्रशेखर जी ने हम लोगों को एक पहचान दी और हमें बोलने का अधिकार दिया और ये भी अधिकार दिया कि हम अपनी बात कहीं कह सकते हैं। ये चंद्रशेखर ने हमें जगाया, नहीं तो हम तो सोए पड़े थे जी। हम सब अपने समाज को लेके अंदर अंदर घुटते थे कि अपनी बात कैसे रखें। अगर आपके पास गए जी चलो हमारी साथ, तो आपके पौवे का मुर्गे का इंतजाम हमें करना था, ठीक है जी, बिना लालच के आप हमारी साथ नहीं चले और आपका एहसान हमारे सिर पे रहा और खाया पिया हमारा और काम फिर भी नहीं हुआ और पैसे भी हमारे लगे। जैसे कोई हमारा कोई काम है गाँव समाज में, अपने जो चमार परिवार से या समाज है जी, अगर हम कहीं जाते हैं जी तो हमारा काम नहीं हो पाता जी, अपना नेता नहीं है आपके पास। और नेता सब हमारे, जिसको हम वोट दे रहे वो हमारा नेता, लेकिन वही हमारी सुनवाई नहीं जी। और चंद्रशेखर जी की बात ऐसी जी, उस पर हमें उम्मीद भी है और विश्वास भी है जी कि वे हमारी बात सुनते भी है और हमारी बात आगे भी रखेंगे। अच्छा, ये आरक्षण का भी फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, आरक्षण पे कितना सही गलत है? आशीष ने जो बताया जी इस बारे में तो मैं इतनी वो नहीं, क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं भाई। आशीष ने जो आपको बताया जी वो भी आपको, तो उससे बंटवारा ही हो रहा है एक तरह का। हाँ जी, और बंटवारा देखो जी, आप और मैं हूँ जी, भाईचारे का बंटवारा कभी नहीं होना चाहिए, इंसानियत का बंटवारा कभी नहीं होना चाहिए, समाज का बंटवारा कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। और हम समाज को क्या चाहिए, सिर्फ अपने समाज के लिए बैठने की एक जगह जहाँ हम अपने दो आदमी बैठ के अपनी बात रख सके। हमारी बिरादरी की बारात आती है, मेहमान आते हैं, हमारा एक उठिया बना था जी, ये भी काफ़ी दिनों से रुका, हमारा रविदास मंदिर है जी, जिसकी सुनवाई हम जो हमारे गांव के प्रधान इलेक्शन में आते हैं जी, वे भी हमसे वादे करते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं वो उसके बाद में वे भी इसकी कार्रवाई नहीं कर पाते, कोई नहीं आता, कोई भी इसके बारे में नहीं करते। नेता मंत्री तो बहुत दूर है, जो हमारे गांव के खुद के प्रधान हैं जी। अब क्या सोच रहे हैं, अब ये चुनाव तो यही सोच रहे जी, चंद्रशेखर जी के साथ में लगे। अगर कोई इसके अलावा हम लोगों की सुनता और हमें अपना मानता कि हमारी मजबूरी देखता कि इनको ये जरूरत है, तो हम उसका सहयोग देने के लिए तैयार हैं। ओमपाल जी, क्या लग रहा, अभी चुनाव होंगे, उपचुनाव होंगे आपके यहाँ, किधर रुख देख रहे समाज, क्या सोच रहे? चंद्रशेखर को देंगे ये वोट, बस और किसी को नहीं देते अब। नहीं, पहले तो कहते बुजुर्ग लोग तो बहन जी के साथ ज्यादा जावे, पहले दी वोट बहन जी को, हम नहीं देते बहन जी को, बहन जी ने कुछ कहा ही नहीं, हमारा कुछ नहीं सोचा, तो उम्मीद टूट गई, समाज के साथ कुछ नहीं सोचा, बहन जी ने सोचा ही नहीं कुछ, अब हम तो चंद्रशेखर को देंगे। तो बदलाव चाह रहे? हाँ जी, बदलाव बिल्कुल पक्का। क्या नाम भाई? सोगिंदर भाई, क्या काम करते हो? मैं तो मजदूर आदमी, तो कुछ मजदूरी बढ़ी, कुछ आमदनी कुछ बढ़ी हो? नहीं जी नहीं, मजदूरी कहाँ बढ़ रही है, तो गांव में मान लो 500 रुपए चल रहे, यहाँ 400 रुपए थे, वो भी टाइम पर नहीं मिलते जी मजदूरी भी। और महंगाई? महंगाई तो देखो बढ़ी हो बढ़ रही, मजदूरी में पूरा भी नहीं बढ़ रहा है, तो चल जा परिवार इस मजदूरी में। अजी चल कहाँ रहा, मान लो टाइम पर मजदूरी नहीं मिलती जहाँ काम कर रहे हो, वहाँ से फिर परिवार ही कहाँ चल जाओ भाई, हो अपना। तो ये चुनाव आवे, नेता आवे, ये नहीं कुछ रास्ता निकालते आप जैसे लोगों के लिए? नहीं जी, ये तो कोई रास्ता नहीं निकाल दे, मान लो नहीं मजदूर आदमी की मजदूरी थोड़ी बहुत बढ़ो या रोजगार कुछ मिलो, तो रोजगार के कोई साधन नहीं है इधर, कुछ अवसर नहीं है, फैक्ट्रिया वगैरह या उस तरह की कंपनी लग रही है, पेपर मिल लग रही है रोड पर, तो उनमें काम नहीं मिलता? मिल जा जी, हाँ उन्हों भी कर ले मजदूरी, उन्हों भी आई लोग ज्यादा फंस रहे, हाँ बाहर के आदमी, यहाँ के लोग देते काम 200-250 जी कुछ मजदूरी दे, इतना ही है बस, 200-250 रुपये भाई ने बताया। तो किधर क्या सोच रहे वोट का चुनाव में? क्या हमारे दोनों भाइयों ने बताया, हम इनके साथ ही कि परिवार के आदमी सर हम लोग मीरापुर विधानसभा में थे अभी, और ये कादीपुर गांव है जहां पर हमने रविदास समाज, चमार समाज से हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की कि इस बार उपचुनाव में लोगों का क्या रुख है। लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं उनकी जो पार्टी रही है बसपा पहले, उससे कहीं लोग टूट रहे हैं, बदलाव की बात कर रहे हैं, वो आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर के साथ जाने की बात कर रहे हैं। देखते हैं इन चुनाव में क्या होगा, समाज किस तरफ रुख पलटेगा, यहाँ की राजनीति क्या रुख पलटेगी,
ये देखना दिलचस्प होगा। मीरापुर विधानसभा में आने वाले उपचुनाव में आप जुड़े रहे सीसीए के साथ, उत्तर प्रदेश से आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद।